హైదరాబాద్ లో సెంటర్ ఫర్ ఎథిక్స్ కార్యక్రమంలో దలై లామా పాల్గొన్నారు. లైవ్ లో చూద్దాం. గుడ్ మార్నింగ్ ఎవరీవన్. హిస్ హోలీనెస్ ద దలై లామా అండ్ మై డైనమిక్ లీడర్ యంగ్ శ్రీ కేటి రామారావు గారు, ఆనరబుల్ మినిస్టర్ ఆఫ్ MAUD, IT and Industries, Government of Telangana. And Jai Shranjan Saab, Secretary IT, dignitaries on the dais and off the dais, media friends, ladies and gentlemen. On behalf of the government and people of the Telangana, I extend a warm welcome to His Highness, Holiness of Dalai Lama for gracing this occasion and blessing the people of our state. His Holiness Dalai Lama, you are not only the spiritual leader for the people of Tibet, but to all the humanity across the global. His Holiness is the epitome of peace and non-violence for the entire world and was awarded the Nobel Peace Prize for non-violent struggle for the liberation of Tibet. Apart from this, His Holiness is the first Nobel Prize winner to talk and show his concern on global environmental problems. Our state, our Honorable Chief Minister, is follow the Holiness Dalai Lama, Holiness Dalai Lama, and our state, जो आज movement हमारे Honorable CM साहब ने 14 साल जो मूवमेंट तेलंगाना का चला है, बहुत पीसफुल मूवमेंट चला है, वो हमारे लिए दलाई लामा साहब का एक एग्जांपल है जिन्होंने हमेशा पीस की तालीम दी है. आज हमारे पास हमारी स्टेट की जानिब से ज़मीन अलाट की गई है जहां पर बहुत अच्छी तरीके से और इन बिल्डिंग बनाई जा रही है जिसका नाम पीस कायम किया, पीस कायम करने के लिए. और पीस हमारे लिए बहुत अहमियत का हामिल है. हमारे हॉलीनेस दलाई लामा ने हमेशा इंडिया में पीस की तालीम दी है, इंडिया में नहीं सारे वर्ल्ड में पीस की तालीम दी है. पीस हमारे लिए बहुत अहमियत का हामिल है. और हमारे आनरेबल सीएम साहब ने इस तेलंगाना स्टेट में तेलंगाना फॉर्मेशन के बाद बहुत पीस के लिए काम किया है. तेलंगाना स्टेट बनने से पहले बहुत से लोगों में डाउट था कि तेलंगाना बनने के बाद किस तरह पीस कायम रहेगा, क्योंकि इससे पहले यहाँ के हालात वैसे नहीं थे. मगर हमारे आनरेबल सीएम साहब ने जिस तरह इस स्टेट को इंडिया में पीस स्टेट का नाम दिया और हमारी स्टेट में हमेशा पीस और वेलफेयर का काम किया जाता है. इंडिया में अगर नंबर वन स्टेट है तो हमारी तेलंगाना स्टेट है जो पीस पर और डेवलपमेंट पर काम कर रही है. और हमारे आनरेबल चीफ मिनिस्टर भी इंडिया में नंबर वन चीफ मिनिस्टर है जो आज हमारे इंडिया में हर जगह मिसाल ली जाती है. आज से कुछ दो महीने पहले मैं और हमारे फाइनेंस मिनिस्टर ईटा राजेंद्र साहब, हमारे चीफ सेक्रेटरी साहब, जब हमारे होम मिनिस्टर साहब से सेंट्रल में मुलाकात की राजनाथ सिंह साहब से, सब उन्होंने एक बात कही कि तेलंगाना स्टेट का जहां भी नाम लिया जाता है वहां सिर्फ यही कहा जाता है कि ये डेवलप स्टेट या पीस की स्टेट या वेलफेयर स्टेट का नाम है तो तेलंगाना स्टेट है. आज हमारी स्टेट में हम होलीनेस दलाई लामा साहब का खैर मकदम करते हैं. यकीनन वो एक बड़े, बहुत बड़े वर्ल्ड के बहुत बड़े इंसान हैं. वो हमेशा सारी दुनिया में पीस की तालीम देते रहे और हम यही चाहते हैं उनकी तालीम हमारे स्टेट में भी कायम रहे और चलती रहे. आज हम लोग उनका वेलकम कर रहे हैं. वो हमारे स्टेट इससे पहले भी एक बार आए थे. एक बहुत बड़ा स्टैचू, हम बुद्धिस्ट स्टैचू टैंकमेंट पर 2006 में जब लगाया गया था, जब हमारे दलाई लामा साहब भी यहाँ तशरीफ लाए थे और वो इसका इनाग्रेशन में आए थे. तो हम यही चाहते हैं कि हमारे स्टेट में उनका आशीर्वाद रहे, उनके हमेशा जो रास्ता तालीम है अमन और पीस का उसे हम कायम रखें और उनके साथ हम चलते रहें और उनके बताए हुए रास्ते पर हम अमल करें. और हमारी स्टेट की जानिब से हम वेलकम करते हैं कि वो आज हमारी न्यू स्टेट तेलंगाना स्टेट में तशरीफ लाएँ. यकीनन हमारे लिए बड़ी खुशी की बात है और हम यही चाहते हैं कि उन जो उन्होंने जो रास्ता हमें बताया है, सारे दुनिया को जो रास्ता बता रहे हैं उस पर हमारी स्टेट की आवाम भी अमल करेगी. और हमारी स्टेट की जानिब से उनका वेलकम किया जाता है, तमाम आवाम की जानिब से उनका वेलकम किया जाता है. जय तेलंगाना. फॉर मोर अपडेट्स प्लीज सब्सक्राइब 99 टीवी तेलुगु.